नमस्कार, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर सिल्की सिंह, और आज हम करेंगे वीकली रीडिंग फ्रॉम द 6th of जून टू 12th of जून फॉर द करंट वीक। और मैं आपके राशियों के हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके भी अपनी राशि पे क्लिक करके वीकली रीडिंग देख सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि आपको ये सनशाइन या मूनशाइन के हिसाब से देखना चाहिए, तो आप जिस साइन से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, अपने आप को ज़्यादा क्लोज महसूस करते हैं, तो आप उस हिसाब उस साइन उस राशि के हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिले। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एडीज, आई प्रे एंड आई होप कि आप लोग अपने अच्छी हेल्थ में होंगे। तो आइए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या क्या वीकली रीडिंग्स है। तो अगर मैं फर्स्ट इस वीक के फर्स्ट हाफ में देखूँ, तो मुझे ज़्यादातर एरीज का ध्यान उनके करियर लाइफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में लग रहा है, या फिर अगर आप पर्सनल लाइफ में भी आपका ध्यान जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने आप बैठ साइड में बैठ के एनालाइज कर रहे हैं, बहुत स्लोली उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ एक्शन लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए। एक्शन लेने वाली कोई मतलब ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं है, बट हाँ एनालाइजिंग पावर आप लोग आपकी बहुत स्ट्रांग है। और मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा आप लोग ज़्यादा फाइनेंशियली ज़्यादा सोच रहे हैं फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीक। लेकिन हो सकता है किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन वीक का सेकेंड पार्ट आते आते आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रहा है। आप अपने माइंड माइंड से सोच रहे हैं, आप अब एक जैसे एक हीलिंग एनर्जी आ रही है आपके पास, और आप उसको आप अपने प्रॉब्लम से आप अपने प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं। जो भी आपके आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। अब थर्ड पार्ट जो आता है वीक खत्म होते होते यानी वीकेंड के साइड पे, मुझे आप एक सक्सेस एक आप अपने आप पे जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस पे एक हद तक ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो है जजमेंट, जो ये बोलता है जिसका गाइडेंस ये है कि आप जब भी पीछे देखेंगे तो एक खुशी से पीछे देखेंगे। आपको आप इस खुशी से पीछे देखिए कि आप जितनी भी प्रॉब्लम थी आपने उसको ओवरकम कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके से परेशान हो या कोई परेशानी हो स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में, लेकिन वो परेशानी जो है जो वो परेशानी है वो धीरे धीरे मुझे खत्म होते हुए दिख रही है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। यहाँ पे आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की या आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आप फाइनेंशली ये मतलब फाइनेंशली या पर्सनली अगर आपको आप कोई भी काम सोच रहे हैं करने की, तो आप और आपको वो काम नहीं हो रहा है, बार बार रुकावट आ रही है, तो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल बाद वो काम, एक साल तक एक साल के अंतराल में वो काम हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ओवरऑल जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच एरीज, नमस्ते। सो हाय माय डियर टॉरस, सो अगर मैं इस वीक की ओवरऑल एनर्जी देखूं, तो मुझे तो इस वीक में आपके फेवर में लक और आपके फेवर में ग्रोथ रहेगा। आप ग्रोथ करेंगे इस वीक में, आपके फेवर में लक रहेगा, आप जो भी जैसे भी काम करेंगे। बट स्टार्टिंग से अगर मैं इस वीक का फर्स्ट हाफ देखूं, तो ये फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करें या कुछ नया स्टार्ट करने की सोचें। हो सकता है कि आपको नए नए आइडियाज़ आएँ इस वीक के फर्स्ट हाफ में। आप नए नए आइडियाज़ को इनोवेट करें, उनके बारे में सोचें, उनको समझे कि आपको कैसे टास्क करना है। लेकिन वीक के सेकेंड हाफ में आते आते मुझे एक सेल्फ सेंटर्ड, एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम फेस
फेस कर रहे हैं, जिससे आप अपने आप को बहुत बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने कुछ पास्ट में ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है जिस वजह से आप अपने आप को अपने आसपास आपने एक शील्ड बना लिया है कि आप किसी को उसके अंदर एंटर नहीं करना दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। वीक के एंड आते आते मुझे एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी दिख रहा है। हो सकता है इसमें आपके घर का कोई मेल फिगर या कोई फादर फिगर आपको हेल्प करे, हो सकता है बिकॉज ड्यू टू देयर सपोर्ट आप ऊपर जाएं, आप एक ग्रोथ एंजॉय करें। आपके लाइफ में कोई भी फादर फिगर जो है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, बहुत आप उनको एंजॉय, आप वो आपको आगे ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगे। और मुझे वीक के एंड आते आते मुझे आप एक एंजॉयमेंट, एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। आप रेडी हैं फॉर योर, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे लड़ने के लिए रेडी हैं। यू आर रेडी एज अ वॉरियर, आप एज अ वॉरियर रेडी हैं। बट एक किसी तरह का सेलिब्रेशन है जो आपके साथ आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में होता हुआ दिख रहा है, या आप किसी, आपको इस वीक के एंड आते आते हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, या प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है, किसी तरह का प्रमोशन या किसी तरह का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। जो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस वीक में आपको सक्सेस मिल सकती है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। एंड सेकेंडली, जो आपको एक ट्रस्ट बना के रखने के लिए आपको एक गाइड किया जा रहा है फ्रॉम योर एंजल्स, कह रहे हैं कि आप उन पर ट्रस्ट रखिए। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप एंजल्स पर ट्रस्ट रखिए, आपके प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व होंगे और आपको सक्सेस मिलते हुए। थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ को थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है, अपने अपने आप पे और अपने क्लोज वंस पे ट्रस्ट और एक यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत थी। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते। सो हाय माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आप तो आपकी रीडिंग्स अगर मैं देखूँ तो आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज द मून। तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें फॉर दिस वीक। और अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वीक का फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है ना, तो उसके बाद उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो ही करते हैं। तो जैसे जो कैटरपिलर होता है वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देता है तो उसके बाद वो थोड़ा वो दर्द झेलता है, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्टिल देन वो कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन के निकलता है। तो उसी हिसाब से इस वीक में आपकी लाइफ में स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में हो सकता है आप थोड़े से एक वेटिंग वाले एनर्जी में रहें। आप थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप थोड़ा फेथ लूज कर सकते हैं। लेकिन वीक जैसे जैसे सेकेंड पार्ट आता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे आप एक ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है किसी से, या फिर आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं। आपके लाइफ में एक किसी तरह का बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो हेरोफेंट है जैसे कार्ड ऑफ नंबर फाइव शोज बैलेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आएगा इस वीक के सेकेंड पार्ट से, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और अगर जैसे जैसे ये वीक खत्म एंड की तरफ जाता जाएगा, आपके लाइफ में एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप इस वीक में कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करें, ट्रैवल इज पॉसिबल, एक छोटा मोटा ट्रिप हो सकता है, एडवेंचर हो सकता है, आप किसी तरह का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, या ऐसा अगर टूर एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और आपके एंजल्स जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत आपको अपने इंट्यूशंस पे, जैसे मैंने ओवरऑल एनर्जी आपके इंट्यूशंस पे आपको फोकस करना है, तो आपको मेडिटेशन इज रिकमेंडेड, मेडिटेशन करिएगा। आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करिए। और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम पे या किसी भी बात पे डाउट हो रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसको एक बार दोबारा सोच लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। दिस इज़ गाइडेड for you by your angels. So ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते। हाय माय डियर कैंसर्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर मैं इस वीक के कार्ड्स को देखूँ तो आई आई
सी दैट कि आपके लाइफ में इस वीक में बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं और आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक से देखूं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं और आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल्ड वे में यूज़ करने वाले हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत है आप अपने इमोशंस की उतनी ही यूज़ करेंगे। अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में या आप बहुत लो फील कर रहे थे अभी तक या कोई काम था जो अटक रहा था तो इस बार वो काम पूरा हो जाएगा। इस वीक में आपका काम पूरा हो जाएगा। जो एक साइकिल था, जो एक प्रॉब्लम वाला साइकिल था, एक कार्मिक साइकिल था, वो इस साइकिल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म होने वाला, साइकिल पूरा होने वाला है। इस आप ऐसा फील करेंगे कि कोई साइकिल प्रॉब्लम हो क्रिएट मतलब ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। एंड सेकेंडली आप इस वीक में एक लाइनस वाले एनर्जी में रहने वाले, लायन या लाइनस, एक पावर वाली एनर्जी में, एक राजा जैसे जंगल का राजा शेर होता है तो उस शेर वाले एनर्जी में आप रहने वाले हैं। कि किसी को भी कुछ भी करना है तो पहले मुझे मतलब वो एनर्जी में आकर कोई कुछ भी कह ले मैं नहीं झुकूँगा, अपन झुकेगा नहीं टाइप्स, वो वाली फीलिंग में आप लोग रहने वाले हैं। वो आपकी आपकी एक एनर्जी वैसी रहेगी। इस वीक के एंड आते आते अगर आप कोई भी काम को, कोई काम नहीं हो रहा था तो एक लाइफ में बैलेंस आएगा, एक लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है और जो जैसा है आप उसके साथ वैसे ही रहेंगे इस वीक के एंड आते आते। मुझे अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे इस वीक में आपके लिए एक न्यू ऑफर, एक सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी तरह की फैमिली में सेलिब्रेशन हो, फैमिली टाइम हो, इन्जॉयमेंट, एक मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। जो आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ लोग हैं बिकॉज आप लाइनस वाले एनर्जी में आप नहीं कर पाए, आप उस वाले एनर्जी में हैं तो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलें तो देर इज़ रिकवरी आपके लाइफ में आ रही है और आप उसको इंजॉय करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट कैंसर्स एंड ऑल द बेस्ट, नमस्ते। हाय माय डियर लियोस, तो आपकी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो इस वीक में आप मोस्टली टाइम अपने फैमिली के साथ रहने वाले हैं। आप बहुत ही, आपका एक सेलिब्रेशन हो सकता है, आप किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, आप एक फैमिली इन टाइम एंजॉय कर रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है इस वीक में। ऐसा ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल एनर्जी आपकी इस वीक की यही है। बट अगर मैं वीक के बाकी का देखूँ, एनर्जी देखूँ तो मुझे आप कहीं ना कहीं स्टक दिख रहे हैं। आप मुझे पास्ट में नज़र पास्ट में ज़्यादा दिख रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक से अपनी पुरानी गलतियों के जैसे अपनी नई रिश्तों को या अपने रिश्तों के जो आपके पास, आपके जो आपके फैमिली हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप नज़रअंदाज मत करें। गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन गलतियों के बाद हमें उनको सुधारना आना चाहिए। जो वीक के सेकेंड पार्ट में हमें को आते आते आप मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने किसी पुराने फ्रेंड या पुराने किसी मेंबर को, आप किसी को याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक नस्टाल्जिया में रह रहे हैं, लेकिन नस्टाल्जिया में आप कभी कभी पास्ट को याद करना या पुराने लोगों को याद करना जो भी आपकी लाइफ में नहीं है वो एक पॉइंट तक सही है, लेकिन वहीं जाके रह जाना इज नॉट रिकमेंडेड। सो आप मुझे इस पूरे वीक में, मुझे थर्ड पार्ट में आते आते, वीक के एंड में आते आते भी मुझे आप कहीं ना कहीं वहीं स्टक दिख रहे हैं। आप स्टक हैं, आप मूव ऑन होना चाहते हैं बट आप शायद मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको आपके एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना चाहिए कि ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आप जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जिस भी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, एक डिवाइन टाइमिंग होती है। तो जब डिवाइन टाइमिंग आती है तभी वो चीज़ें सॉल्व होती हैं। हमारे यूनिवर्स के मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ होता है। एक पत्थर भी उनके ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। सो आपको पॉजिटिव रहने के लिए एंजल्स कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। जब भी डिवाइन टाइमिंग, जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगा आपके ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो वैनिश हो जाएंगे। सो स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट लियोज,
नमस्ते माय डियर वर्गो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है इस वीक में। आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप कम्युनिकेशन को एक मेजर पार्ट देने वाले हैं अपनी लाइफ में। कम्युनिकेशन से ही आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। कम्युनिकेशन से ही आप एक अपने ग्रोथ को इन्वाइट करने वाले हैं। कम्युनिकेशन एंड स्ट्रैटेजी वुड बी अ वर्ड फॉर दिस वीक। अगर मैं वीक का फर्स्ट पार्ट देखूं, तो मुझे इस वीक में आप कहीं ना कहीं एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने इश्यूज़ के लिए या अपने ग्रोथ के लिए। आप सेकेंड वीक में आते आते आप कहीं ना कहीं एक आप अथॉरिटी पोजिशन पर आते हुए दिख रहे हो मुझे, या फिर आप अपने लाइफ में अपने आप अपने इनर सेल्फ में ही आप एक अथॉरिटी वाले पोजिशन में दिख रहे हो। आप एक अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और थर्ड वीक आते आते भी मुझे यही एनर्जी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है कि आप अपने ऊपर बहुत, आपका फोकस जो भी है वो आपके ऊपर ही है, आपका फोकस कहीं और नहीं है। इस वीक में अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आप कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ही फोकस करने वाले हो। आपका मेन फोकस ये है कि आप अपने आप को कैसे ग्रो करवाओ। इसमें जितने भी स्ट्रगल हैं आप उन सबको ओवरकम करते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो इन दिस वीक में। अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप, मतलब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप आगे बढ़ते चले जाओ। सो एंड आपको क्या पता आपके एंजल्स जो हैं आपको कोई ना कोई साइन दे रहे हैं, या आप किसी एंजल नंबर्स या आप बटरफ्लाई या आपको फेदर्स या अलग तरह के जो साइंस जो आपके एंजल्स हमारे एंजल्स हमें देते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स हमें देते हैं, तो आपके एंजल्स भी आपको इसी तरीके का कोई ना कोई साइन दे रहे हैं। तो आपको उस साइन को पे फोकस करने की, उनको समझने की ज़रूरत है। उनको देखिए, उनको समझिए और उसके बेसिस पे अपने एक्शंस या अपने डिसीजंस लीजिए। तो दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते माय डियर लिब्रास। सो अगर मैं इस वीक की ओवरऑल रीडिंग देखूं, ओवरऑल एनर्जी देखूं, तो मुझे इस वीक में आपके लिए गाइडेड ये है कि आपके मन में जो भी बात है, आप जो भी चीज़ फील कर रहे हैं, वो अपने रिलेटिव्स या आपके अपने, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनसे जाके बोलिए। कई बार हमें एक्सप्रेस करना जो बहुत ज़रूरी होता है, और ना एक्सप्रेस करके भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ये आपके लिए गाइडेड है ओवरऑल। बाकी अगर हम वीक का फर्स्ट हाफ देखें, तो आप इस वीक में आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ गाइडेड है कि आप जैसे इंसान हैं उससे वैसे बिहेव करें। आपके साथ जो जैसा करता है आपको उसके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना या हद से ज़्यादा बुराई करना अच्छी बात नहीं। बुराई करना वैसे भी अच्छी बात नहीं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना कई बार आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके एक पर्सोना गलत क्रिएट कर सकता है। लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं इस बारे में। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आपको बैलेंस करके चलना है कि कितना किसको देना है उसको उतना ही आपको उस हिसाब से ही रिलेशन रखना है, उस हिसाब से आपको बात करनी है। जहाँ सेकेंड हाफ आते हुए देखा जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेड है कि आप मैनिपुलेट ना हो इस वीक में। वैसे अगर देखा जाए तो आपको मैनिपुलेट ना हो किसी बाहर वाले से, अपने घर में लड़ाई ना करें या अपने फ्रेंड्स में या अपने लड़ाई ना करें। आप मैनिपुलेट ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो किसी और से। जो आपके घर की प्रॉब्लम है उसको घर में ही रखिए, बाहर जाके एक्सप्रेस करने की किसी और को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने घर वालों से चीज़ों को एक्सप्रेस करें, या अपने जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं आप उन पे एक्सप्रेस करें, उनको ही एक्सप्रेस करें। जो थर्ड हाफ है, जो लास्ट वीक है, मुझे उस वीक थर्ड हाफ में आप कहीं ना कहीं अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने इंट्यूशन से काम लेते हुए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। तो और आपके जो एंजल्स हैं वो भी आपको कह रहे हैं कि आपको कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़, यानी आपको कई जगह पे एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत है। और आपके पास बहुत अच्छा अबंडेंस आ रहा है, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग योर वे, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो उसको हाथ खोल के ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करिए और गो अहेड इन योर लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट लिब्रास। नमस्ते। सो हाय माय डियर स्कॉर्पियंस। तो अगर मैं आपकी ओवरऑल रीडिंग देखूं, ओवरऑल एनर्जी देखूं,
तो मुझे इस वीक में आप मुझे थोड़े परेशान लग रहे हैं, थोड़े ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। एंड आपको गाइडेड है इस वीक में, अगर मैं ओवर एनर्जी देखूँ आपके गाइडेंस में, तो आपको गाइडेड है कि आपको थोड़ी रेस्टिंग की ज़रूरत है। और जो लोग आप जो जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके अपने लोग हैं, आपको उनसे हट के बात करने की बहुत ज़रूरत है। या फिर आप अगर आपके कोई आपको एक मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आप जाइए उनके पास बैठिए और उनसे बात करिए, उनका टाइम स्पेंड करिए, तो अब पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा फील करेंगे। इस वीक में मुझे आप फर्स्ट हाफ से थर्ड हाफ तक आते आते इस पूरे वीक में मुझे आप कहीं ना कहीं बहुत अकेले लग रहे हैं। आप एक प्रॉब्लम आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, आपने दबाई हुई हैं। जैसे होता है ना कि हम अपने अंदर बातें रखते जाते हैं, जब तक हम उन्हें रिलीज नहीं करते हैं ना, तब तक हम एक अच्छे पॉजिटिव मोड में नहीं आ सकते हैं। या हो सकता है आपने पास में इतनी प्रॉब्लम्स सफ़र कर लिया है कि अब आपका किसी चीज़ का मन नहीं है, तो हमें इस मूड से उठने की ज़रूरत है। अगर आप ए वाला कार्ड देखें, तो इस कार्ड में यहाँ पे अगर आप देखें तो या तो आपको सन दिखेगा या मून, यहाँ पे ड्यूअल वो है। तो ये हमारे परसेप्शन पे होता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे हम जज करते हैं। तो आपको रिकमेंडेड है कि आपको ट्राई करने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे आए, बिकॉज आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आगे आपकी सिचुएशन जो भी है वो और इम्प्रूव करेगी, टाइम के साथ इम्प्रूव करेगी, और कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आएगा। बट आपको अभी इस वीक में पॉजिटिविटी बना के रखने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियंस, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते माय डियर सजिटेरियस धनराशि। तो अगर मैं आपकी यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग देखूँ, तो आप इस वीक आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच बना के चलने वाले हैं। आप बहुत ही प्रैक्टिकल, आपका जो मेनली ध्यान है वो आपके करियर के तरफ है, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तरफ ज़्यादा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्टार्टिंग में इस वीक के फर्स्ट हाफ में आप, हो सकता है कि आपके पास दो चॉइसेस है जहाँ पे आप डिसाइड करने में आप कंफ्यूज है कि किसको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना है। बट वीक के आगे जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता जाएगा, आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म होती जाएगी, आपकी ये कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप उसके लिए एक्शन लेंगे, वीक के सेकेंड पार्ट में आप उसके लिए एक्शन लेंगे, और वो एक्शन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी साबित होगा। जैसे कि आप ये कार्ड देख रहे हैं सन का, यहाँ पे ये जो बच्चा है, ये इसकी जो बच्चे की खिलखिलाहट है इनोसेंस, तो ये जो इनोसेंस है आपके अंदर, जो सन की ब्राइटनेस है, ये आपके इस वीक में देखने को मिलेगी। आप इस वीक में अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। बट और यहाँ पे आपको आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई सही टाइम नहीं है जिसमें आप किसी बात के लेके अपसेट हो या रिग्रेट करें किसी बात को। जो अगर पुरानी चीज़ें पर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, आपको पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक आगे अपनी लाइफ में एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। चाहे हमें करियर में, चाहे जॉब में, या किसी भी चीज़ के लिए आप चाहते हैं, इंटरव्यू हो सकता है कि आप इंटरव्यूज एंड ऑल अगर आप दे रहे हैं, या किसी भी चीज़ में आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वो मुझे आप करते हुए भी वीक में दिख रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सो हाय माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर मैं आपके एक ओवरऑल एनर्जी देखूँ, तो आप मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे दिख रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं। आप इस वीक आप या तो ट्रैवल कर सकते हैं, या आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, आप एक बहुत डिसिप्लिन मोड में हैं, और एक बहुत ही आपका जो ओवरऑल एनर्जी दैट इज इन वेरी डिसिप्लिन, आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, और आप अपने कंट्रोल, अपने पावर को आप उसी तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट हाफ में देखूँ, वीक के फर्स्ट हाफ में, तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, और आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं। और जहाँ तक ये कार्ड देख सकते हैं, तो ये जैसे कि अगर आप ये कार्ड देखें, तो ये इसकी जो तलवार है, ये फुल एक्शन में है कि बस अब एक्शन ले लेना है, उस चीज़ को फुलफिल कर लेना है जो भी इसके गोल्स हैं। तो उसी हिसाब से आप भी उसी अपने एक्शंस को
अपने एक्शंस ले रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन वीक का मिडिल पार्ट आते आते आप कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने अंदर अपने आप को पहचान रहे हैं। आप हो सकता है कि आप दुनिया से या अपने आसपास जितने भी आपके लोग हैं आप उनसे साइड हो जाएं, आप कट जाएं और अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दें। वीक के एंड आते आते आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेके कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। ट्राई करिएगा कि अपना फोकस उसी पे रखें जो आपका गोल है। आपके पास हो सकता है कि बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो और उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते देखते आप कन्फ्यूजन तरफ लीड कर जाएं, तो गाइडेड है कि ऐसा ना करें, फोकस बना के रखें। और जो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत महसूस होती है कि आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आपको उससे मांगने में हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाना नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और कई आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हम कई बार अपने दिल में बहुत सारी ऐसी बातें लेके बैठ जाते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता है, तो अगर और अगर हम फॉरगिव कर देते तो हम बड़े ही बनते हैं, हम छोटे नहीं होते। तो इट्स बेटर कि आप अगर आपके दिल में कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, तो आपको उसको फॉरगिव कर देने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। ऑल द बेस्ट एंड हाय माय डियर पाइसिस। तो अगर मैं आपकी ओवरऑल रीडिंग ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप एक स्पेस फ्री स्पिरिट फील करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, और आप अपने गोल पे फोकस रहेंगे कि जो आपका गोल है, आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में एकदम काम करेंगे बिना बिना फल के चिंता किए बिना। आप एक फ्री स्पिरिट का अपना काम करते रहेंगे। बट दिस वीक आई वुड रिकमेंड यू कि आप नेगेटिव मत होइएगा, अपना फोकस लूज मत करिएगा, क्योंकि इस वीक में हो सकता है कि थोड़ा बहुत अनबैलेंस्ड इमोशन हो, कुछ बिट्रेयल, कुछ चीटिंग हो सकती है, कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स भी पॉसिबल है। तो आपको आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप रिकमेंड किया गया है कि आप इस वीक में अपनी स्ट्रैटेजी, अपना माइंड यूज करके ही आगे बढ़ें। एक कम्युनिकेशन और बड़ों की सलाह, या अपने बॉस, या अपने जिसको भी आप, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी सलाह लिए बिना आगे मत बढ़िएगा। वरना यहाँ पे फर्स्ट हाफ में भी, फर्स्ट वीक के, इस वीक के फर्स्ट पार्ट में भी कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल आता हुआ दिख रहा है। और सेकेंडली, अगर आप एक लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप गुजर रहे हों और गुजरे, और आप आपके सैडनेस आप फील करें। हो सकता है कोई ना कोई आपका, जो आपका क्लोज वन है, तो वही आपको बिट्रे करे। तो जब भी आप ट्रस्ट करें तो उस पर आप बहुत ध्यान रख के ट्रस्ट करें। बट कहीं ना कहीं रिकवरी आते हुए दिख रही है एंजल्स के साइड से, तो होप मत लूज करिएगा, क्योंकि ये वीक चाहे कैसा भी है लेकिन यूनिवर्स आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक रिकवरी और एक अच्छा पॉजिटिव नोट आगे लेके आएगा। ये गाइडेंस है यूनिवर्स के साइड से। और आपको ग्रो करना है, जैसे कि अगर आप ये कार्ड देखें तो ये कार्ड पे जो लड़की है ये आराम से बैठ के मेडिटेट कर रही है, और इसके आसपास ही ग्रीन लाइट आ रही है। दिस ग्रीन लाइट इज अ लाइट ऑफ ग्रोथ, ऑफ अबंडेंस, ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिविटी। तो आपको इसी तरह से अपने आसपास में उन लोगों को रखने की ज़रूरत है जो आपको पॉजिटिव रखते हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो डोंट लूज होप, डोंट लूज होप पाइसिस मीन राशि। ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते।